हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए में कौन सा सब्जेक्ट लें। बीए में दोस्तों बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन यह डिसाइड करने में बहुत सारी परेशानी आती है कि हम बीए में कौन सा सब्जेक्ट चुनें। बीए में कौन सा सब्जेक्ट चुनेंगे तो हमारा एक बेहतरीन कैरियर बन सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अगर आप भी बीए कर रहे हो या बीए करने की सोच रहे हो तो सबसे पहले आपकी ये चुनौती होती है कि कौन से तीन विषय हम चुनें। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बीए ऑनर्स की बात नहीं करेंगे, जो प्लान बीएससी होती है जिसमें हमें तीन सब्जेक्ट चुनना पड़ता है, हम उनके बारे में बात करेंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है बीए में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन जो हमें तीन विषय चुनने होते हैं उनमें हमें बहुत सारी दिक्कत आती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको एक विषय तो अपना निश्चित रखना है जिसके बाद आप अपना करियर बना सको। एक विषय आपको अपना पूरा निश्चित रखना है जिसमें आप बीए के बाद उसी में मास्टर करने की सोचो कि उसी में हम एमए करेंगे। तो दोस्तों हम बता देते हैं कि कौन से विषयों में से आप इनको एक अपना मेन विषय बना सकते हो। इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र, इन तीन में से दोस्तों आप अपना एक मेन विषय बना लीजिएगा। दोस्तों मेरी प्रायोरिटी मान लीजिएगा तो आप अर्थशास्त्र को अवश्य लेना, इसको छोड़ मत देना। अभी तीन में से आपने एक अपना मेन विषय बना लिया, इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में से एक मेन विषय बना लिया, और आपको अब जो दूसरा सब्जेक्ट है वो हिंदी या अंग्रेजी में से तो एक तो आपको लेना ही पड़ेगा भाषा के रूप में। तो दोस्तों अब होगा आपके दो विषय, एक विषय हो गया आपका हिंदी मान लीजिए और एक हो गया मान लीजिए इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में से एक। अब आपको एक विषय और चुनना है तो आप एक और विषय ऐसा चुनिए दोस्तों जिससे आपको आगे भी मदद मिले। आप भूगोल को और ले सकते हो या फिर संस्कृत भी ले सकते हो, लेकिन दोस्तों मैं अपनी बताऊँ तो आप कौन सा विषय लीजिएगा। भाषा के रूप में दोस्तों आप संस्कृत भी ले सकते हो, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत में से कोई एक भी ले सकते हो। तो दोस्तों मैं अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से बता दूं, सबसे पहले तो आप हिंदी अंग्रेजी को छोड़ दीजिएगा, संस्कृत लीजिएगा या फिर अंग्रेजी। देख सकते हो दोस्तों आज के इस कंपटीशन के दौर में सबसे ज़्यादा टीचर हिंदी के ही हैं। हिंदी के टीचर अगर आप प्रोफेसर भी बनोगे, टीचर भी बनोगे तो आपको तगड़ा कॉम्पिटिशन मिलेगा, इसकी वैकेंसी भी कम आती है, इसीलिए संस्कृत की जगह खाली रह जाती हैं, तो आपको संस्कृत लेना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अभी UPPCL में वैकेंसी निकली थी जिसमें लगभग कितनी पोस्ट थी, पांच टाइप की पोस्ट थी। ऐसा नहीं कि वैकेंसी पांच थी, वैकेंसी तो 1000 के ऊपर थी और उसमें पांच पोस्ट थी और पांचों में ही ये मांगा गया था कि बीए में नहीं, ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स होना चाहिए या मास्टर में इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों अर्थशास्त्र का एक बहुत बड़ा कैरियर ऑप्शन है, इसको आप मत छोड़ना, मेरी मानिएगा तो इसको ही आप अपना मेन विषय बनाइए और इसी से आप एमए कीजिए। क्योंकि दोस्तों बहुत सारी वैकेंसी ऐसी निकलती हैं जिसमें आपसे अर्थशास्त्र मांगा ही जाता है। दोस्तों इकोनॉमी यानी कि अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण विषय है, इसकी अलग से ही वैकेंसी निकलती रहती हैं इससे रिलेटेड, जैसे कि इकोनॉमी से रिलेटेड बैंक होता है और बहुत सारे जो ऑफिस होते हैं उनमें वैकेंसी निकलती हैं और उनमें डायरेक्ट लिखा रहता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा रहता है बैचलर में इकोनॉमिक सब्जेक्ट हो या फिर मास्टर में इकोनॉमिक हो। तो दोस्तों इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा कैरियर ऑप्शन है, तो आप अर्थशास्त्र अवश्य लेना और संस्कृत, दो विषय मैंने आपको पक्के बता दिए। अब आप इतिहास, भूगोल और राजनीति शास्त्र में से कोई एक विषय ले सकते हो, तीनों ही बेहतरीन विषय हैं। राजनीति शास्त्र यानी कि पॉलिटी, हिस्ट्री और जियोग्राफी, ये तीन में से एक ले लीजिएगा और कन्फर्म के रूप में अर्थशास्त्र और संस्कृत अवश्य ले लीजिएगा। और मेरी मानिएगा दोस्तों आप एमए भी अर्थशास्त्र से करना, क्योंकि अर्थशास्त्र में बहुत ही बड़ा कैरियर ऑप्शन है, इकोनॉमी में दोस्तों एक बहुत ही बड़ा कैरियर ऑप्शन उपस्थित है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। अगर आप दोस्तों अर्थशास्त्र के अलावा किसी और विषय को लेना चाहते हो तो आपके पास मैं अब आपको पूरे सेफ ऑप्शन बता दूं कौन कौन से हैं। इतिहास सेफ ऑप्शन है, अर्थशास्त्र तो है ही, संस्कृत और भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र में से कोई एक भी ले लेना। दो हमने सेफ ऑप्शन बता दिए, इनमें से और आप कोई एक भी ले सकते हो, इतिहास की जगह और कोई सा भी ले सकते हो। और दोस्तों बीए में और भी सब्जेक्ट होते हैं, जैसे फिलॉसफी होता है, साइकोलॉजी होता है और भी होम साइंस के भी सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन वो इतने मेन सब्जेक्ट नहीं हैं और ना ही वो इतने मेन रूप से पढ़ाए जाते हैं,
उनकी वैकेंसी भी कभी निकलती है, उनके टीचर की वैकेंसी भी। अगर आपको बीए करना है तो मेरी मानिए इन्हीं विषय से कीजिए जो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो दोस्तों हमने एक ब्लॉग वेबसाइट की लिंक दी है, वहाँ पर आप और सारी जानकारी ले सकते हो बीए के बारे में, सब्जेक्टों के बारे में। धन्यवाद दोस्तों।